तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? अच्छा गुजरा। और आपका? मेरा भी अच्छा। बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने चाहा था, जैसी मेरी बीवी को होना चाहिए था। रमजान बाबा, ये औरंगजेब ने कमरा क्यों लॉक कर दिया है? जी वो शायद स्टडी में हो। नहीं, उसे खुद मैंने कमरे में जाते हुए देखा। कमरा क्यों लॉक? मुझे पता नहीं जी। आप कुछ कहने आए थे उसे? नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था मैडम। हाँ आपने रूम लॉक्ड रखा है? हाँ, क्योंकि मुझे पता था वो आए थे, रात को भी वो यहीं पे थे। मगर आप तो तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आई डोंट रियली केयर अबाउट यू एनीमोर। हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तुम्हें अब कुछ नहीं लगती? चलो गुड। बीबी जी साहब जी आ गए हैं। आप ही बुलाया? अरे नहीं बेटा, मैंने तो नहीं बुलवाया। मैंने तो सिर्फ उससे फाजिल और राफरीन की शादी की बात शेयर की थी। मुझे क्या पता था इतनी जल्दी आ जाएगा। चलो अच्छा है ना आ गया। मैंने उसके लिए खुद स्पेशल खाना बनाया था, सोच रही थी भिजवा दूंगी। अब आ गया तो लगाती हूँ। बीबी जी, बरसों नमक खाया आपका और साहब जी का। मुझे आपको बड़ी जरूरी बात बतानी है। कहो क्या बात? वो जी, अरे कुछ कहो भी, क्या बात है? बीबी जी, बड़े साहब जी रोज नाश्ता अपनी बीबी के कमरे में करते हैं और सोते भी उनके कमरे में ही हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? नहीं बीबी जी, मैं तो सच कह रही हूँ। आप मुझसे कसम ले लें, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? अपनी आवाज बंद करो और खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला था, समझी तुम? दफा हो जाए यहाँ से। अरे औरी भाई, लगता है आप खाने की खुशबू आ चुकी है। एक्चुअली बापी ने आपके लिए सरप्राइज लंच तैयार किया हुआ है। मुझे उन्होंने कहा था कि आपको ना इन्फॉर्म करूं, लेकिन आप देखिए ना, खुद ही कॉल कर लिया आपको। तुम आफरीन से शादी की इज्जत कर रहे थे प्रपोज़ल? जी मैंने उनसे बात की थी। और भाई, मैं यहाँ सिर्फ आफरीन के लिए आया हूँ, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर। मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं, जो हिमाकतें हुई हैं, मुझे उन सबका बहुत अफसोस है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं। उस वक्त तो मैं कुछ कर नहीं सका, लेकिन अब और नहीं। मैंने उसके लिए मामा से बात की, बहुत बात की और बहुत कन्विंस करने की कोशिश भी की, लेकिन मामा मान नहीं रही। अरे भाई आप प्लीज़ बात करें ना, आपकी बात कभी नहीं डालेंगी मामा। तुम्हें किसने कहा है कि वो अब तक सिंगल है? वट डू यू मीन अरे भाई, क्या मतलब है आपका? औरी भाई, मैं जानता हूं वो एंगेज नहीं है। हाँ एंगेज नहीं है, ये मैरिड है। What? भी मेरे साथ। क्या कहा तुमने? क्या बोला है तुमने?
सही कह रहा हूँ मैं, ये मेरी बीवी है और तुम इसके बारे में बात करना तो दूर, अब सोचना भी बात इसके बारे में। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि इस लड़की से तुम मेरे पूछे बगैर शादी करो? जिस तरह तुम वारिस दुल्ताना के लिए मुझे छोड़ सकती हो, उस तरह मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। और जहां तक इजाजत लेने की बात है, तुम्हारा तलाकनामा अभी तक मेरे पास मौजूद है, जाओ तो अभी तुम्हें साइन करके दे सकता हूं। तुम्हें क्या समझा था हम लोगों ने और तुम क्या निकली? मेरे ही घर पे, मेरे ही घर में रह के कपड़ा बस। इसके बारे में एक लफ्ज मत बोलना तुम, ये तुम्हारी कोई मुलाजमा नहीं है, अब ये मेरी बीवी है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है मैंने, तुमने मुझे करने पर मजबूर किया है। इसमें ना मेरा और ना इसका कसूर है, इस सब की कसूरवार तुम हो। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, ये लड़की हमारे घर में इतना बड़ा खेल खेल गई और आप इसे मासूम समझ रहे हैं? फाजिल, खेल इसने नहीं, खेल तुमने हम सबके साथ खेला है। यहां तक कि किस्मत ने तुम्हारे साथ ही गेम कर दी और तुम इसकी खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आया हो, तुम वापस सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ छोड़ने को बचा ही नहीं था, इसलिए इसका सहारा लेने के लिए तुम आया हो। अपनी सो कॉल्ड बीवी को लो और दफा हो यहां से, हमारे ही घर में रहने वाले, हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाले आज हमें ही धोखा देंगे। चलो निकलो, निकलो यहां से। शोर मत मचाओ तुम, मुझे भी तुम्हारे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। चलो फ्री, दिल के पीछे अगर दिल गया। उरी, कितनी गंदी स्मेल है, कौन सा परफ्यूम है ये? ये ब्रांडेड है। कौन सा ब्रांड है ये? नेक्स्ट टाइम जब ट्रेवल करूंगी ना तो तुम्हारे लिए खुद से परफ्यूम्स लूंगी, तुम प्लीज मुझे याद करवा देना और ये मत लगाओ। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं है यार, माजी की एक बात याद आ गई। तो इसका मतलब आपका माजी इतना अच्छा था? मेरा हाल सबसे ज्यादा खूबसूरत है। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया, हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। रखो जाना प्लीज। घड़ी दो
क्या हुआ? मुझे नहीं आ रहा। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात? मैं बताता हूँ। ये कांटा इस हाथ में, छुरी इस हाथ में, ये देखो इसको ऐसे, और मुझे बहुत सारी गैदरिंग के इनविटेशन आते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर जगह तुम मेरे साथ जाओ, इसलिए इस तरह के खानों की ना आदत डाल लो तुम। मगर कोई देख लेगा तो अजीब लग रहा है। हमारे आसपास तुम यहाँ कोई नहीं बैठा हो, तुम बेफिक्र होकर खाना। मैं कोशिश करती। मिसेस औरंगजेब, वो इस वक्त कहीं बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप उस वक्त आइए। ओह मिसेस औरंगजेब, अब आई समझ मुझे कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, क्योंकि और ही भाई तुम्हें ऑलरेडी इंप्रेस कर चुके थे। उनकी इज्जत करती थी मैं, और अब मैंने उनके बारे में जाना कि वो अपनी इज्जत करवाने के साथ साथ दूसरों की भी बहुत इज्जत करते हैं। नहीं नहीं, वो तुम्हें पैसा बहुत देंगे और तुम्हें खुश रखेंगे, क्योंकि चलते फिरते क्रेडिट कार्ड हैं वो। तुम शायद भूल रहे हो बाजी कि तुमसे भी मैं वो गिफ्ट्स नहीं लिया करती जो तुम अपने उन गर्लफ्रेंड्स को देने के आदी। मैं बहुत लूज कैरेक्टर था ना तुम्हारी नजर में, है ना? तुम खुद क्या हो, देखो अपने आप को आईने में, तुम्हें समझ आएगी। एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चलाकर तुम्हें शर्म नहीं आई? बस, अब मजीद एक लफ्ज नहीं बोलोगे। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा था उनसे, बल्कि तुम्हारी बहन वो शादी करना चाहती थी अपने उस पुराने आशिक से। तुम्हारा ही बहन हुई आया था मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर, और तुम्हारी बहन की करतूत की वजह से उनकी शर्म और लिहाज सब खत्म हो चुका था। बस स्टॉप इट, अपनी झूठी कहानियां तुम मुझे मत सुनाओ। झूठी कहानियां? ठीक है फिर सुनो आज हकीकत। फाजिल, तुम थे वो पहले मर्द जिसने मेरे दिल की सरजमीन पर अपने नाम का झंडा गाड़ा था। मैं तुमसे नफरत क्या करती, इतना अरसा तुम्हें भुला ही ना सकी। निकाह नामे पे साइन करते वक्त मेरी नजरों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा। औरंगजेब का नहीं,
मुझे क्या देते? तुमने तो मेरे सर से आसमान और पैरों तले जमीन भी छीनी। तुम अपने बीवी को कुछ नहीं दे सके तो मुझे क्या देते? तुम्हारा अपना कशकोल खाली है, तो मेरी झोली क्या भरते? तुम किसी को कुछ भी देने के लायक नहीं हो बाजी। देखो आफरीन, मैं वापस आ चुका हूं तुम्हारे पास, तुम भी आ जाओ। भूल जाएंगे हम ये सब। बस करो अपनी बकवास बाजी, प्लीज दफा हो जाओ यहां से। ये आखिरी बार सुन रही हूं, आज के बाद ये वर्ड्स तुमने कभी नहीं दोहराने। मत भूलो कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं। हर औरत तुम्हारी बहन की तरह नहीं कि जिससे ना घर संभालता और ना ही घर वाला। Just shut up, Basil. असूलों तो तुम्हें मुझसे पूछे बगैर यहां पे आना नहीं चाहिए था। अगर आ भी गए हो तो मेरी बीवी से इस तरह तुम्हें बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर कर भी दी तो आप माफी मांगो इससे। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब था कि चलान चलान। साहब को चाय पानी पूछो और उसके बाद इन्हें बाइज्जत घर से रुखसत कर देना। चलो आफरीन। जी बस, थैंक यू सो मच जी। बस अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिल्कुल आइए, हम मुलाकात रखते हैं घर आइए। बिल्कुल आपसे बात कर लूँगा।